राजस्थान के अटरू में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में विधायक पानाचंद मेघवाल ने पहुंचकर भजनामृत प्राप्त किया। उन्होंने कथावाचक श्री प्रभुजी नागर के मुखारविंद से व्यास गद्दी से कही गई कथा का श्रवण कर 3 घंटे तक कथा को सुना। तदुपरांत विधायक पानाचंद मेघवाल द्वारा व्यासपीठ की महाआरती की गई। यहां विधायक पानाचंद मेघवाल के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश सुवालंका, एडवोकेट भारतेंदु सिसोदिया, वार्ड पार्षद दिनेश नैनीवाल, देवकरण मीणा, हरी सिंह मीणा, जगदीप सिंह दरबार, गजेंद्र औदेच्य, विवेक तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। कथा का श्रवण के बाद विधायक पानाचंद मेघवाल ने श्री प्रभुजी नागर से मुलाकात कर व्यक्तिगत आध्यात्मिक चर्चा की। उन्होंने कहा कि सूबे के खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया शीघ्र कथा श्रवण के लिए पहुंचेंगे। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेड़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919924333। NTPC टांडा द्वारा अयोध्या के पंचशील होटल में उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य NTPC टांडा में राख द्वारा निर्मित नए उत्पादों की जानकारी देना है। आयोजन के मुख्य अतिथि म्यूनिसिपल कमिश्नर अयोध्या एवं वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी विशाल सिंह IAS रहे व साथ ही किशन कुमार सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री BC पलेई परियोजना प्रमुख टाणा, महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण के गंगोपाध्याय, महाप्रबंधक चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर उदयन तिवारी, महाप्रबंधक परियोजना अतुल गुप्ता, महाप्रबंधक ईंधन प्रबंधन PL नरसिम्हा, महाप्रबंधक मानव संसाधन AN पाड़ीग्राही, अपर महाप्रबंधक एश यूटिलाइजेशन PS त्रिपाठी सहित अन्य जन मौजूद रहे। आज NTPC टांडा के द्वारा ये जो कस्टमर मीट बुलाई गई थी, जिसमें ऐश और ऐश बेस्ड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो ये बना रहे हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा था। BC पुलई साहब जो प्रोजेक्ट हेड हैं NTPC टांडा के, उनकी टीम ने यहाँ ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करा है, पूरे व्यवस्था करी है और इसमें मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा जो यहाँ का कस्टमर मीट हम लोग बुलाए हैं, आस और आस बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट का कैसे इसका यूजेज है, इसका क्या फ्यूचर है, इसके लिए लोगों के बीच में जानकारी लाने के लिए हमारे का प्रयास रहा है। ये हमारा आज जो है वो एक्चुअली कोल पावर जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें है, एक बाई प्रोडक्ट है। इसको पहले हम लोग इसको ओइस जैसे सोचते थे, बट अभी आज कैसे है इसको हम लोग ओइस नहीं करके इसको रादर इकोनॉमिकली कैसे हम लोग यूज कर सकते, उसके बारे में अभी हम लोग काफ़ी कदम ले रहे हैं। आज से हम लोग जो है अभी तक तो आज ब्रिक और हमारा पेपर वर्क बना के हमारा अपना यूजेज के साथ साथ बाहर लोगों को यूजेज करने के लिए हम लोग बेचना चालू किए। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। बलरामपुर जनपद के ब्लॉक हरैया सदघरवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत इमलिया में गौशाला में रह रहे सब खुले जानवरों को आशियाना मिल गया था, जिसमें आराम से चारे की व्यवस्था होती थी तथा जानवर खुले में ना रहकर गौशाला में अपना निवास बनाकर रहते थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा गौशाला की दीवार को गिरा दिया गया। तत्पश्चात बीते दूसरे दिन के बाद 20 ट्रॉली रखे गए जानवरों के चारे को भी आग के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलने पर प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू सिंह ने बताया कि
अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने हेतु थाना ललिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। सूचना मिलने पर पहुंचे थाना ललिया प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जल्द ही ऐसे गलत कार्य करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हम गौशाला बनवाए थे, इसकी दीवार गांव वालों ने कुछ गांव के लोग तोड़ दिए हैं। हम प्रशासन को एप्लीकेशन दिए हैं, न्याय का जांच का कार्रवाई करने का आदेश चाह रहे हैं कि किया जाए। अच्छा ये बताओ, जब ये दीवार टूटा तो किसी को कुछ पता चला कि नहीं? कब पता चला, कैसे पता चला कि दीवार गिरा है? सुबह पता चला या रात में पता चल गया? लेबर सोकर उठे जो रखाने वाले थे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? दो लोग। अच्छा, दो लोग रखवाली के लिए रहते हैं। वो उठे उसके बाद बताए हमको फ़ोन करके कि दीवार गिर गई है, बस निकल गए हैं कुछ बाकी थे। यहाँ पाँच छः लोग सुबह आकर और खेत दिए, वो जो पास बचे थे उनको। अच्छा, कितने जानवर थे पहले? 100। अच्छा, 100 जानवर थे। फिलहाल अब कितने बचे हैं? अब इस समय 30-35 हैं। ये भी नहीं थे, इन्हों को खेत दिया गया था, कल हम लाए हैं, फिर खेत कर यहाँ खेदवा कर लेबर से करवाए हैं। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेड़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरदराज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए नई पहल की गई है। जनपद के सभी विकास खंडों में अब लोगों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधा मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से मिलेगी। मेडिकल मोबाइल वैन में चिकित्सा, फार्मासिस्ट स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन तैनात रहेंगे। वैन में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। हंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन को जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने वैन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से दूर दराज के लोगों को घर बैठे चिकित्सकीय लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय मिश्रा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अभय व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 6 एम्बुलेंसेज का शुरुआत यहाँ पे किया गया और बाकी 3 एम्बुलेंसेज भी ये शीघ्र यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। एम्बुलेंसेज शुरू कराने का मेन पर्पज ये है कि जो इनकी टीम है, जिसमें कि डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, वो एम्बुलेंस में बैठ कर के गाँव में जाएगा और गाँव में जा कर के जहाँ पर कि हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर उन लोगों की स्वास्थ्य की नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहा है, तो उस कड़ी में ये जुड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करेगी। और गाँव में जितने भी लोग स्वास्थ्य सेवाओं से अगर कोई वंचित हो जाता है, उसमें सरकार के सहयोग के लिए ये एम्बुलेंसेज और ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य, कशोधन उर्फ बबलू भैया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें। और अरुण देव आर्य, कशोधन उर्फ बबलू भाई, आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाए। एमपी के गुना राघोगढ़ तहसील के ग्राम कंडीपुरा में पानी की भारी समस्या देखने को मिली है। यहां पर शासकीय स्कूल में एक हैडपंप लगा हुआ है। गांव की सभी महिलाएं इस सरकारी हैडपंप से ही पानी भरकर ले जाती हैं। पानी भरने के लिए घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पूरे गांव में एकमात्र हैडपंप है। सरकार के अधिकारियों की ये बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने प्रत्येक गांव में नल जल योजनाएं चला रखी हैं, फिर ये गांव पानी के लिए क्यों तरस रहा है। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है,
अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। एमपी के गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए महोदय के निर्देशानुसार जिले के दिव्यांग जनों को गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के सामाजिक निगमित दायित्व सीएसआर योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर के सहयोग से निशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु जिला स्तरीय चिंहांकन शिविर का आयोजन राघोगढ़ वार्ड क्रमांक 12 सामुदायिक भवन सांडा रोड पर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जन प्रतिनिधि गणों द्वारा सरस्वती माता पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अंकित शर्मा, कैलाश सुमन, राजेंद्र वास्त्री, राघोगढ़ तहसीलदार संतोष धागड़, राघोगढ़ सीएमओ हरीश कुमार श्रीवास्तव, गेल इंडिया की नमिता कार्यकारी, प्रशिक्षु मानव संसाधन सीएसआर मानव संसाधन अधीक्षक एम के साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम की जानकारी दी रामवीर सिंह धाकड़ ने, जिन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण हेतु गेल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से सहायक उपकरण वितरण हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नविता है, मैं गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से हूँ और आज यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से सीएसआर इनिशिएटिव के तहत हम दिव्यांगजनों को उपकरण मुहैया करवाएंगे और इसके लिए आज दिव्यांगजनों के चिन्हित हेतु ये शिविर का आयोजन किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड हमेशा ही गरीब और असहाय वर्गों तक अपनी सेवा पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है और हमेशा प्रयास करती है कि उचित लाभ मिल सके समाज के सभी वर्गों को। ये एक चिन्हित शिविर है जिसमें चिन्हित किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को हमारी उपकरण मुहैया कराई जाएगी और जो इसके बाद हमारा जो मेन आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। एमपी के हरदा में नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। घंटों तक किसान सड़क पर ही बैठे रहे, किसी भी वाहन को नहीं निकलने दिया। मौके पर नहर विभाग के कार्यपालन मंत्री ने किसानों को लिखित आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। खंडा हरदा स्टेट हाईवे पर किसानों ने हाईवे पर बैठ कर जाम लगाया था। किसानों ने बताया कि ग्राम मसन गांव काकरिया सहित अन्य ग्राम के किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज किसानों का आरोप है कि नहर विभाग की साठ गांठ से हमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और जो हमारा नहर का पानी है वो दूसरी जगह दिया जा रहा है। इस नहर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, एक महीना हो गया कोनी को, इसके बाद में अभी तक पानी नहीं आया है। किसान बहुत परेशान है, इस नहर से नीचे रोड से नीचे कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल फसल सूख गई है पूरी। आप कहाँ कहाँ गए अभी तक अपनी समस्या लेके? सर ने हमको एसडीएम साहब को सबको अवगत कराया है, तो कोई 181 पे भी फोन लगाया था हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो फिर अभी क्या हुआ है आज? अब आज आंदोलन किया है, अभी इस आपने बोला है कि एक हफ्ता लिखित में दिया, एक हफ्ता पानी भरपूर पानी मिलेगा और इस बार हमको मूंग में भी मिलना चाहिए। ठीक, ये हमारे आसपास के जो गाँव है काकरिया मसन गाँव, यहाँ के कुछ किसान थे पानी को लेकर असंतोष प्रकट कर रहे थे, नहर विभाग के हमने अधिकारियों को बुलवाया है यहाँ पे, उनके द्वारा इनको लिखित में आश्वासन भी दिया गया है और समस्या निदान करने का भरोसा दिलाया गया है। इसी आधार पे ये जो जाम ये खुलवा दिया गया है। कब से लगा था सर ये जाम? ये विदिन 10 से 15 मिनट की। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगर वासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर।
मोबाइल नंबर 9919929433। राजस्थान के झालावाड़ ब्लॉक कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया। नज़ाकत अली ने बताया कि कांग्रेस आज़ाद भारत से पहले की पार्टी है। देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता लियाकत अली कांग्रेस के इतिहास को विस्तार से बताया। ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन लोधा मथुरेश मालपानी ने विचार व्यक्त किए। इस पर मौजूद सरपंच संघ अध्यक्ष पर्वत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि जीतू लोधा, सरपंच हरचंद गुर्जर, रामप्रसाद लोधा, गोविंद टेलर, अकील खान, लालचंद तवर, चंद्रभान सिंह, मुरारी डीलर, कालू खाती, सुल्तान डीलर, रघुराज सिंह, कैलाश तवर, हनीफ शाह, सरपंच दयाराम प्रजापति, रामदयाल सुमन, निर्भय सिंह तंवर, मांगीलाल बेरवा, हरीश जनपद, धनालाल मांगीलाल, पूर्व सरपंच बाबूलाल दिनेश लोधा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की, कई लोगों की समस्याएं सुनी। विस्तार स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर कोटा आए। उन्होंने अपने कैंप में लोगों की सुनवाई की। वे तड़के दुरंदो एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे थे। स्पीकर बिरला का आमजन से मिलने का कार्यक्रम हुआ। कैंप कार्यालय में बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। समस्याओं के कैंप कार्यालय में स्पीकर बिरला आमजन से भी मिले। उनके कोटा पहुंचने की सूचना पर स्पीकर बिरला से मिलने कोटा शहर ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी आए, जहां बिरला ने आमजन के अभाव अभियोग सुने। जब भी मैं संसदीय क्षेत्र में आता हूं, लोगों की बातें सुनते हैं और समस्याएं उनके अभाव भी सुनते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान उनके अभाव जो उसका प्रयास करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में रहे, उनकी बातों को सुने, चर्चा करें, संवाद करें, समस्याओं का समाधान करें, विकास की योजनाएं ठीक तरीके से पहुँची है उसको एक मिशन का पार्ट बनाए। मुझे लगता है कि चाहे कितने बड़े पद पे हो, लेकिन हर व्यक्ति को जनता ने जिनके चुनकर भेजा है उनको इस दायित्व को निभाना चाहिए। बच्चे हैं, रेजिडेंस के बच्चे हैं, अपने फरियाद देखे। बच्चे रेजिडेंस के और कोचिंग के बच्चे आए हैं, मैंने उनकी परिवार लिए उनकी बात सुनी है और एचआरडी मिनिस्टर को उनके बारे में जानकारी दी है। निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान हो सके। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बेदुपार इंटरमीडिएट कॉलेज में मनाया गया स्काउट। इसमें मौजूद रहे प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय और समस्त अध्यापक। बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्काउट हमें अनुशासन और सभ्यता सिखाता है। इसके तहत विद्यालय के प्रबंधक महोदय के द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम किया गया।
आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। कलेक्ट्रेट में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ओबीसी आरक्षण के विरोध में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण देना नहीं चाहती, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, नहीं तो पहले से ही ओबीसी आरक्षण को ठीक प्रकार से पेश करती, जिससे तय समय पर नगर निकाय चुनाव हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मानसा चुनाव कराने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव करने से बच रही है। सरकार कह रही है कि चुनाव हम पिछड़े का गठन कर कराएंगे, अब से पहले क्या कर रहे की समय पूरा होने जा रहा था और जब कोर्ट ने कह दिया आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आपके माध्यम से बात आज हमारा पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक सैनी जी, ये पिछड़ा प्रकोष्ठ जो हमारा पार्टी का संगठन है उसकी दर्शाती बिल्कुल आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई आपका बेटा आपका सेवक आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे, अपने नाम में क्या रखा है अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार बलरामपुर जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919924333। सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश BNNCC बस्ती का 161वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में डॉक्टर विनय शुक्ल डॉक्टर अनीता सुश्री दर्शिका शुक्ला एवं जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज की टीम ने 47 यूपी BNNCC बस्ती का 161वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में 12 बजे तक कुल 28 कैडेट ने ब्लड डोनेट किया, कुल 57 कैडेट द्वारा ब्लड डोनेट किया जाना है। मीडिया से बात करते हुए अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार रंजन ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रतन सेन इंटर कॉलेज में 28 दिसंबर को किया गया और कल कैंप का आखिरी दिन होगा। यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया है, आज के दिन हमने प्रयास किया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए, जिसके लिए हमने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा था और हमारे यहाँ पर 2 वैन आई हुई है, एक बस्ती से भी वैन आई है सहयोग के लिए और हमारे यहाँ जिला अस्पताल से भी आई है और अभी तक टोटल 28 बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है और हमने लक्ष्य रखा है 57 का। प्रयास करेंगे 57 बच्चे टोटल ब्लड डोनेट। क्या ब्लड ही डोनेट किया जा रहा है या बच्चों को अन्य सुविधा भी स्वास्थ्य की कोई दवा वितरण या कुछ? कैंप में लगातार हमारी टीम आगे रोज डेली बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रही है इसके लिए और इन लोग का मेडिकल चेकअप भी कर रही है और इनको दवाएं भी दे रही है।